अच्छा बन ये होता है कि मेरे पास आखिरी कार्ड है जो कि आखिरी कार्ड वक्त आने पर वो इसके ये शो करेंगे। आपके ख्याल में कौन सा कार्ड हो सकता है जो अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है या उसकी अब मैं इस पे बात करूंगी और वो बात चल जाएगी। जो काम की बात है, जो लोगों को सोलर बताना है, जो स्कॉलरशिप बताना है, वो पीछे रह जाएगा। नहीं, उसके उस सिविल नाफरमानी पहले भी करके देखी थी भाई, उस वक्त भी इसको किसी ने जो है वो घास नहीं डाली थी। और अब भी देखिए पाकिस्तान, वो लोगों को कह रहा ओवरसीज को रेमिटेंसेज ना भेजें, तो रेमिटेंसेज उनके घरों में जाती है ना, उनको ना भेजें। वो फाके अपने अपने पाकिस्तानियों को वो फाके मरवाना चाहता है, वो चाहता है कि लोग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सुकून ना लें। वो कितने कार्ड, पहले मज़हब कार्ड, IMF के ख़िलाफ़ ख़त लिखवाने के कार्ड, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने के कार्ड, कभी 9 मई की दहशतगर्दी का कार्ड, कभी जो है वो मज़लूमियत कार्ड, कभी साइफर कार्ड, कितने तो कार्ड खेल चुका है भाई। अब हमें माफ़ी का कार्ड दे दो, वो मेहरबानी कर दो इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क को तुमसे माफ़ी का कार्ड चाहिए। सारा काम आप ऑनलाइन कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों को पेमेंट दी जा रही है हम उनका भी कोई रिकॉर्ड जो है उसका काम आदमी की या मीडिया की रसाई हो ताकि प्रोग्राम में भी शफाफियत आ सके। शफाफियत भाई इसमें पूरी है, हर चीज़ जो है वो डिजिटल होती है, डिजिटल में शफाफियत जो है उससे ज़्यादा किया ही होगी। और आपको मेरा ख्याल है थोड़ा सा आप खबरों से दूर है शायद, आपको साथ के साथ जो है ना वो बकायदा पतों के साथ उनकी वीडियोस के साथ जहाँ जहाँ जितना जितना घर बन गया है वो बकायदा दिया जाता है। मैं आपको आज स्पेशली भी भेज दूंगी ताकि अगर आपको नज़र नहीं आया तो आपको नज़र आ सके। पहले मैडम ये अभी 5 या 6 साल का अर्सा हमने देखा कि बहुत अच्छी चीफ एग्जीक्यूटिव सुबह पंजाब को मिली है मरियम नवाज शरीफ की, 6 साल के बाद, यानी कि पहले ही कुमतों जब खत्म ही साल हो गया। और दूसरा अभी 190 मिलियन केस में अदालत ने बुशरा बेगम साहिबा को गिरफ्तार करने करके पेश करने का हुक्म दिया है, तो KPK में जाहिर है वो मौजूद है, तो फिर पंजाब कहाँ पुलिस की मदद करेगी? देखिए अभी मैंने वो अभी मैंने यार पहले जाते हैं, उसे भी ने कहा था कि मैं बीच उससे भागी नहीं थी, अकेली वहाँ खड़ी थी, मैं डरती नहीं हूँ। और वो आपके समस्या बाकी मेरे ख्याल है मेरी स्माइल से आपको पता चल जाना चाहिए, मैं कुछ कहूँगी तो शिकायत हो जाएगी। गुजारिश ये है कि ये जो बुशरा बीबी जो है वैसे वो महरम के बगैर निकलती नहीं है, लेकिन सारा दंगनाई वो मतलब पर्दा वो बहुत करती हैं, लेकिन वो पर्दा भी कोई नहीं था पूरे लॉन्ग मार्च के अंदर, वो महरम का भी कोई शिक नहीं थी। आज वो कोर्ट में पेश नहीं हुई, लेकिन वो उस एक शहीद के घर गई हैं बकौल उनके, जिनको उन्होंने 1 करोड़ रुपए का KPK की गवर्नमेंट से जो है वो लेकर इनको दिया। वहाँ जाने के लिए उनके पास टाइम भी है, वहाँ वो जा भी सकती हैं, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हो सकती बिकॉज वहाँ पर हीरो का जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी जो बात आपकी है कि वो कहती हैं भागी नहीं है, तो तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या, भागने भगाने की एक लंबी लिस्ट है, वो मुझसे ना सुने तो बेहतर है। ये बताइएगा एक जानी पे मरियम नवाज गवर्नमेंट के काम कर रही है सुबह पंजाब में, वफाक में शिवाज शरीफ जो है वो मिशन की बहाली के लिए भी ना एक कर रहे हैं, एक और किरदार है फैसल बागड़ा, वो कह रहे हैं जी कि आवाज इन चेहरों से बुरों से तंग आ चुकी है, इनकी छुट्टी होने वाली है, तो क्या कहेंगे ये, किसकी जुबान बोल रहे हैं? सिंडिकेट तो पीपल्स पार्टी की जानी से हुए हैं, जब वो अपने वो मेरा ख्याल है सवाल उनसे पूछना चाहिए, जब वो अपने बारे में क्लियर हो जाएंगे तो हम बता देंगे। बात यह है कि वाडा साहब को चाहिए जनरल इलेक्शन लड़े, उनको पता चल जाएगा हम जनरल इलेक्शन लड़के आते हैं। अच्छा जी, अच्छा मैडम संजीदा का एक बैटर हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, एक स्टूडेंट की डेथ हुई, जामिया का जब तक मौके पे था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर फायरिंग नहीं हुई, लेकिन पंजाब पुलिस की FIR बता रही है जो वहां पे वाडा साहब की मदद उनके हुई है कि FIR हुई है। हमने ये देखा है कि कई इदारों के अंदर इस किस्म की फायरिंग, बहुत सारे ऑपरेशन हुए, पंजाब गवर्नमेंट के इसके ऊपर क्या मौकिफ है, क्या एक्शन लेने जा रही है ताकि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हमने लसानी मामला देखे, एक exactly. दे दीजिएगा। दूसरा, इमरान खान ने कल जो मुतालबा किया है, 2 मुतालबात उन रखे हैं, वो 14 से 16 नाफरमानी की तहरीक है, एक उसमें यह है कि ट्रायल कैदी जो है उनको रिहा किया जाए, तो क्या पंजाब गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी तजवीज जेरे गौर है जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे जो लोग हैं उनको रिहा करके पोलिटिकल स्टेबिलिटी घर बढ़ा जाए? देखिए पहली तो बात यह है कि जो आपका पहला सवाल है पंजाब यूनिवर्सिटी से मुतालिक, उस पर अभी तफ्तीश चल रही है। अभी कुछ हकायक सामने आए हैं कि कोई गाड़ी के अंदर कुछ दोस्त मौजूद थे और किसी एक के पास असला मौजूद था, शायद उससे ये वाकया हुआ है, लेकिन अभी इस पर तफ्तीश मुकम्मल हो जाए बिकॉज पंजाब यूनिवर्सिटी बड़ा एक क्रिटिकल मैटर है, उसमें बहुत सारे सूबों से बहुत सारी कौमियतों के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, और इस वक्त एक वाहियात और घटिया कैंपेन शुरू हुई है। पहले एक सूबे को दूसरे सूबे के ख़िलाफ़ CM जो है वो लड़ाने निकला था, फिर वो वफाक के ख़िलाफ़ एक पख्तून कार्ड आप निकाल के ले आए हैं,
और ख़ुद आप मुझे ये बताइए, इनके ये कहते हैं हमारे पता नहीं कितने जो है जितने भी लोग, अल्लाह ना करे हम कैटेगोरिकली कहते हैं झूठ बोलते हैं, आपने इनमें से किसी को किसी के जनाजे पे शरीक होते देखा है? आखिर जनाजे होते हैं ना, मैयतों के जनाजे होते हैं, मैयतें कोई ऐसे थोड़ी है कुछ चींटी है जो नज़र नहीं आती। किसी एक के घर आपने जाके अब जो जो भी इन्होंने निकाले, वो कंटेनर से गिरा वो मर गया, उसकी इन्होंने नमाज़े जनाजा भी पढ़ा दी, उसके घर खुद गड्ढापुर पहुंचा हुआ था। और एक और जो है वो जिस बच्चे का नाम लिया, उसके बाप ने वीडियो दे दिया, उसने कहा कि मेरा बच्चा मेरे साथ बैठा, वो तो स्कूल में हाजिरी लगी हुई थी, हम तो नीचे हो गए। तो ये सियासी गिद है जिनको लाशों के कारोबार करने हैं। और अब ये घटिया हरकत जो पख्तून कार्ड वाली है, ये वो करना चाहते हैं कतई तौर पर। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, हम सब पाकिस्तानी हैं, और किसी भी किस्म का कोई लिसानियत कार्ड हम यहाँ चलने नहीं देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से तो मैं अभी सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। दूसरी बात यह है कि यास्मीन राशिद को निकाल के कौन सी स्टेबिलिटी आ जाएगी, मुझे ये बता दें। यास्मीन राशिद ने 9 मई को स्टेबिलिटी लाई थी ना लाहौर की सड़कों के ऊपर, और फिर यह कि अंडर ट्रायल प्रिजनर को कौन सी हुकूमत निकाल सकती है, कौन से कानून के तहत, मुझे बताइए। अंडर ट्रायल प्रिजनर ट्रायल के बाद ही रिहा हो सकता है। गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई कानूनी जस्टिफिकेशन और वो चीज़ नहीं है कि जिस पे किसी अंडर ट्रायल प्रिजनर को अपनी मर्जी से निकाला जा सके। इमरान खान साहब मुतालबात करते रहेंगे, हम इधर से सुन के इधर से निकाल देंगे, हमारे पास टाइम नहीं है उनको मुतालबात सुनने सुनाने का। इस पे बाद में बात कर लेंगे, वो बात डिट रहे हैं। कब से ये स्टार्ट होने जा रहा है और कौन-कौन से लोग होंगे? दूसरा ये है कि गवर्नमेंट सर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दो से कितने सो सर, ये 100 से 200 यूनिट वाले जो लोग हैं ना वो अप्लाई कर सकते हैं फ्री SMS के जरिए भी, और ऑनलाइन पोर्टल पे भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और रजिस्टर करने के बाद हाँ ये भी बता दूं, सोलर प्रोग्राम सिर्फ दिया नहीं जाएगा, उसको बकायदा फिक्स करना, उसको वहाँ पर उसकी पूरी जो फिक्सेशन के मामलात होते हैं सब, वो सब भी पंजाब गवर्नमेंट करके देगी। खाली प्लेटें नहीं पकड़ा देंगे कि घर ले जाओ। ये बताएगा कि आप पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और इस वक्त पंजाब को बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक आपने मिनिमम वेजेस तय किए थे कि 37,000 हर लोग बंदे को मिलेंगे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स को 16-18,000 रुपए मिल रहे हैं, उनकी कोई छुट्टी नहीं है। उस पर जरूर उस पर जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर जो है वो रिक्वेस्ट भी की थी कि उनको उन्होंने कोई मेरे ख्याल ऑनलाइन भी और वो भी प्रोसेस शुरू किया है कि इन्फॉर्म किया जाए जहाँ जहाँ पर मिनिमम वेज इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, चीफ मिनिस्टर साहिबा कतई तौर पर उसकी जीरो टॉलरेंस है उसके ऊपर। सो आप बराए मेहरबानी जहाँ पर भी ऐसी कोई इतला हो मुझे भी ज़रूर बताएं, मैं भी उनको फॉरवर्ड करूँगी। और सिक्योरिटी गार्ड हो, कोई कोई भी Grade 4 का मुलाजिम है, कोई भी है, कम अज़ कम मिनिमम वेज जो है पंजाब में मेक श्योर की जाएगी।